हेलो वेलकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एक्चुअली जो आज वीडियो अपलोड होना था वो बाय मिस्टेक पुराना वीडियो दोबारा लोड हो गया तो ये वाला वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ आपके लिए और आज का जो क्वेश्चन है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ए -E, हमारे पास एक कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट आठ मीटर है और बी डी एक अनदर बिल्डिंग है जो मल्टी स्टोरीड है उसकी हाइट हमें पता नहीं है लेकिन ये बड़ी बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन यो छोटी बिल्डिंग के टॉप के साथ 30 डिग्री का बन रहा है और छोटी ही बिल्डिंग के साथ फुट पे 45 डिग्री का बन रहा है तो हमने दोनों एंगल ऑफ डिप्रेश को यूज करते हुए इस बड़ी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो हमने क्या करना है यहां पे लेट कर लेना हमारे पास देखो ये अगर आठ है ना तो ये वाली भी क्या होनी चाहिए आठ ही होनी चाहिए कितनी बीसी बी सी हमारे पास कितनी होनी चाहिए एट मीटर होनी चाहिए बट हमें तो बी डी निकालनी है तो बी डी के लिए हमें किसके बराबर है बी डी बी सी प्लस CD के तो BC अगर 8 है तो CD हमने यहां पे लेट x कर लेनी है तो लेट CD डी इज इक्वल टू एक्स अब ध्यान से देखो ये ये वाली ट्राइंगल ए बी डी हम यहां पे दो ट्राइंगल यूज करेंगे ट्राइंगल ए बी डी और एक ट्राइंगल यूज करेंगे यहां पे ई सी डी तो ट्राइंगल हमारे पास ई सी डी है ECD में देखो ध्यान से यहाँ बना लेते हैं रफ बना लेते हैं ECD ये एक्स है और ये 30 डिग्री है हमें इसका बेस चाहिए तो बेस के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री लिखेंगे तो किसके बराबर है एक्स ओवर EC और आपको पता है tan 30 की वैल्यू कितनी है वन ओवर रूट थ्री तो X ओवर EC अब हमारा EC किसके बराबर आ गया इसी आ गया हमारा एक्स रूट हमारा ई कितना आ गया हमारा यहाँ पे एक्स ओवर ई और ये वन बाई थ्री अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स रूट थ्री आ गया हमारे पास ई कितना आ गया एक्स रूट थ्री अब आप देखो ध्यान से अब हम कर लेते हैं ये वाली ट्राइंगल ए बी डी ए बी डी में हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी डी में हम हमारे पास यहाँ बना लेते हैं मैं रफ़ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए ये सामने हमारे पास एट प्लस एक्स है और ये वाला एंगल हमारे पास फोर्टी फाइव है तो यहाँ पे हम टेन फोर्टी फाइव ले कर चलें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एट प्लस एक्स ओवर ए बी और टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी है वन होती है तो एट प्लस एक्स ओवर ए बी ध्यान से देखो हमारे पास ए बी कितना आ गया एट प्लस एक्स अब देखो ध्यान से एक बात और जितना ए बी है उतना ही ई सी है तो यही चीज हम यूज करेंगे बट ए बी इज इक्वल टू ई सी इस चीज को यूज करते हुए देर फॉर लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि एक्स रूट थ्री इज इक्वल टू एट प्लस x, इट मीन x root 3 minus x equal to h. अब x यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं या आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू एट और x की वैल्यू हमारे पास आ गई एट रूट थ्री माइनस वन आपको पता है कि ये हम डिनोमिनेटर में रूट्स नहीं रखते इसलिए इसको रेशलाइज कर लेंगे और एक्स आ जाएगा हमारा एट रूट थ्री प्लस वन ये ब्रैकेट में आएगा और डिवाइडेड हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ जाएगा माइनस वन तो हमारे पास क्या आ जाएगा अब थ्री से वन गया तो टू बचेगा टू बचेगा टू से ये एट कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर प्लस वन तो एक्स कितना आ गया फोर रूट थ्री प्लस वन तो हमें क्या चाहिए था हमें इस पूरी बिल्डिंग की हमें चाहिए हाइट इट बी डी कितना हो जाएगा एट प्लस फोर रूट थ्री प्लस वन ये ब्रैकेट में था अब इसको कैसे लिखेंगे इस एट में से ऐसे कर लेते हैं तो फोर कामन कर लेते हैं फोर कामन किया टू बचा पीछे ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन ध्यान से देखो ये फोर है इस टू प्लस रूट थ्री प्लस वन फिर आगे देखो ध्यान से फोर इसको लिखेंगे रूट थ्री प्लस थ्री ये हमारी हाइट आ गई किसकी बिल्डिंग की अब आप देखो ये बिल्डिंग की हाइट आ गई ना तो अगर ये 45 था तो दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस भी कितना आ गया ये हाइट है और डिस्टेंस भी दोनों का बीच का कितना आ गया वो तो सेम है फोर रूट थ्री प्लस थ्री तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता चल गया तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो आपके लिए बड़े पते वाली बात थी यहाँ पे एक हल्का सा हमने एक कंसेप्ट और डेवलप करना है ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आए कम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है तो आइए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अगर कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हमने इसका एक छोटा सा फार्मूला दिमाग में रखना है ताकि यही क्वेश्चन हमें इतना लंबा निकालना नहीं है हम इसको बिल्कुल शॉर्टकट वे से विद इन वन मिनट निकाल सकते हैं तो कभी ऐसा आ जाए कि दो बिल्डिंग सामने सामने हमें आ जाएं और बड़ी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग के टॉप पे और बॉटम पे दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रही जो 30 हो जो थर्टी और फोर्टी फाइव में बस ये याद रखना एंगल थर्टी और फोर्टी फाइव के, के केस में ही बनेगा ये एंगल थर्टी से फोर्टी फाइव बन रहा हो तो टॉप से बॉटम में तो हमने क्या करना है जो गिवन हाइट दे रखी होगी छोटी बिल्डिंग की वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री प्लस थ्री से डिवाइड कर देंगे टू से जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में जो भी हमने किया उसमें वाई एट था और ये रूट थ्री प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू किया तो हमारा आंसर क्या आया फोर रूट थ्री प्लस थ्री बाय ये ही आंसर आया था हमारा है ना तो इस तरह हम इसको हम निकाल सकते हैं सारा तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा यहां पे लिखते हैं हाइट ऑफ गिवन समाल बिल्डिंग इनटू रूट थ्री प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू ठीक है तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई है और इस फार्मूले को अगर आप दिमाग में रखोगे तो हमारे बड़े सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे ठीक है स्टूडेंट्स आई होप सो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे शेयर करोगे और दोस्तों में बांटोगे थैंक यू स्टूडेंट्स